और बड़े अपडेट्स अपने दर्शकों को दे दें। जरा मैं चाहूंगा कि फुल स्क्रीन एक बार हम ये ब्रेकिंग दिखा दें, दर्शकों को ये बता दें कि इस वक्त के सबसे बड़े अपडेट क्या हैं। आपको बता दें कि भीतर बहुत कुछ तय हो चुका है। सबसे बड़ी बात, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर होंगे, लेकिन प्रदेश की कमान मोहन यादव संभालेंगे। मध्य प्रदेश के अगले सीएम संघ के करीबी उच्च शिक्षा मंत्री रहे, प्रखर हिंदूवादी लाइन पर बात करने वाले मोहन यादव होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे, उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल जो रीवा से आते हैं, ये डिप्टी सीएम होंगे। तो आपको बता दें सारे के सारे नाम बदले हुए और चौंकाने वाले। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर की जिम्मेदारी निभाएंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो इसमें क्षेत्रीय संतुलन भी दिखाई पड़ता है, नए पुराने चेहरों का, अनुभवियों का और फ्रेश फेसेस, इनका तालमेल भी दिखाई पड़ता है। 2024 के निर्णय की झलक साफ तौर पर यहां दिखाई पड़ रही है, 24 की तैयारी स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही। बड़ी खबरें अपने दर्शकों को दे दें, मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे और दो डिप्टी सीएम होने वाले हैं, दो उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं, जगदीश देवड़ा उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई जा रही है, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर होंगे। तो ये बड़े अपडेट्स आपको दे रहे हैं। तो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल इनके नाम पर डिप्टी सीएम के तौर पर मोहर लग रही है और अंदर यह भी तय हुआ कि नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। अब जरा आप लोगों से चर्चा करें, काफी स्थितियां क्लियर हो चुकी हैं, भीतर चर्चाओं के दौर जारी हैं। ब्रजेश आपके पास आते हैं, जरा प्रतिक्रिया लीजिए। बिल्कुल, देखिए बात करते हैं, राजेंद्र शुक्ल की बात करें तो रीवा से चौंकाने वाला नाम है, लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब आप बताइए, अभी नाम जो आया है मोहन यादव जी का, क्या कहेंगे इस नाम के बारे में? दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहले मैं उनको बधाई देता हूँ, वो भी संघ कार्यकर्ता हैं और अच्छे हैं, मोहन यादव जी भी हैं। जो संघ ने आदेश दिया है वो सर्वमान्य माना जाएगा। लेकिन पूरा माहौल की अगर बात करें तो अभी जो तमाम बड़े नेताओं के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी वो अचानक से शांत हो गई है। सब लोग यही विचार कर रहे हैं कि ये जो नाम थे अप्रत्याशित, उनका ऐलान हुआ है तो अब क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाए? पंडित जी आप बताइए, क्या कहेंगे, इतना बड़ी जमावट बीजेपी ने की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। एक छोटा सा कार्यकर्ता कहाँ पर खड़ा हुआ है और किस पद पे शोभायमान हो जाएगा उसे स्वयं को पता नहीं हो सकता। हम लोग जो अनायास आयास मतलब कसित लगा रहे थे कि ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, ये नहीं होगा, और मोहन यादव जी शिक्षा मंत्री रहे, संघ की भी एक उनको तोमर जी के बारे में, तोमर जी नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई, बढ़िया, अच्छा निर्णय, मेरी तरफ से उनको बधाई है बहुत बहुत। ये संगठन का जो निर्णय रहा है वाकई में कुछ चौंकाने वाले निर्णय भी रहे, मगर बहुत अच्छा निर्णय हुआ ये। जी भाई, राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम, भाई साहब जरूरी था, सामान्य का भी संगठन ने सबके लिए सबको सारी जातियों को सारी वर्गों को साधने की कोशिश यहाँ की गई है। जगदीश देवड़ा